से कोई डिस्टरबेंस हुई आई गेस। प्लीज बताइए आपको ऑडियो वीडियो स्क्रीन दिख रही, एकदम से कोई कनेक्टिविटी का इशू आया है? स्क्रीन दिख रही? ओके जी, दिख रही दिख रही। सुनो जी, हम बात कर रहे थे किसकी, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा प्लीज। हाँ जी, इथेन और इथीन की बात कर रहे थे, इथेन और इथीन की बात कर रहे थे, C2H6 और C2H4 की बात कर रहे थे। यहां भी दो कार्बन है और वहां पे भी दो कार्बन है, लेकिन यहां पे सारे, यहां कार्बन और कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड है, ठीक है। अच्छा, इधर बाकी तीन चीजें लगी हैं, ठीक है। दिस इज एच 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 और एच जी, यहां तक क्या, यहाँ क्या है जी, यहाँ सर ये दो एच लगे हैं। लेट मी टेल यू फर्क क्या है, फर्क ये है कि सर ये जो कार्बन है दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, एक इधर एक इधर, एक यू बनाए जी इसको। इसका असल में स्ट्रक्चर ऐसा है कि सर इसके दो बॉन्ड्स बनाए ऑन द पेज, एक बनाए आउट ऑफ द पेज, एक बनाए इनटू द पेज। इसलिए इसके दो बनाए ऑन द पेज, एक बनाए इनटू द पेज, एक बनाए आउट ऑफ द पेज, ठीक है। और मुझे प्लीज बताइए एंगल कितना है, 109.5 डिग्री। और ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है सर, यहाँ पे ये सारे कौन से हैं? पहली तो बात है ये, दिस कार्बन इज व्हाट, बोथ दी कार्बन आर, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ओके जी। और दूसरी बात क्या है, ऑल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स, ऑल बॉन्ड्स आर कौन से वाले, ऑल द बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स। sp3 हाइब्रिडाइजेशन से चार, एक इधर आया होगा, वो क्या कहते हैं, ऑर्बिटल, एक इधर आया होगा ऑर्बिटल, एक इधर आया होगा ऑर्बिटल, एक इधर होगा ऑर्बिटल। ये कार्बन भी sp3 है, इसने एक इधर कर दिया होगा, एक इधर कर दिया होगा, एक इधर कर दिया होगा, एक इधर होगा। नाउ यू नो हाइड्रोजन ने इधर सिग्मा बॉन्डिंग, हाइड्रोजन ने इधर सिग्मा बॉन्डिंग, हाइड्रोजन ने इधर सिग्मा बॉन्डिंग, इधर हाइड्रोजन ने इधर सिग्मा बॉन्डिंग, इधर इधर, इन सब ने यहाँ यहाँ सिग्मा बॉन्डिंग करनी है, और दरमियान में भी इन दोनों कार्बन ने सिग्मा बॉन्डिंग करनी है। खैर, ये स्ट्रक्चर आपको सारा समझा दिया जा चुका होगा, मुझे उम्मीद है इसमें किसी को परेशानी नहीं होगी, ठीक है। ईच कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ऑल द बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड्स ऑल ऑफ देम, ओके। व्हाट इज हैपनिंग इधर, प्लीज बताइए यहां क्या हो रहा है। सर ये जो C2H4 है, इसमें ये दोनों, ये वाला कार्बन भी और ये वाला कार्बन भी, कैसा है, बोथ दीज कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, व्हेन दे आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। सर ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, इसका एक चेन इधर है, एक इधर है और एक इधर है, इसने भी एक इधर से बॉन्डिंग करनी है, एक इधर ऑर्बिटल है, एक इधर ऑर्बिटल है। अच्छा, इधर वाले का सीन क्या है, sp3 है, तो sp3 है तो क्या था, टेट्राहीड्रल, टेट्राहीड्रल मतलब 109.5 डिग्री। यहां क्या है, इसमें क्या हुआ जी, इसमें होगा सर वो ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर, जिसमें एंगल कितना है, 120 डिग्री। ये वाला एंगल कितना है जी, सर दिस एंगल इज 120 डिग्री। कैसे पता चला, सर ये कार्बन था, ये कार्बन था, इन दोनों कार्बन्स ने क्या किया, बेटा जो समझा रहा हूं पहले उसको फॉलो कर लो यार प्लीज, तो मेरा भी डिस्कनेक्ट हो गया था, मेरे से पिछला सारा पेज उड़ गया, मेरे पास भी कोई स्क्रीन नहीं है इस वक्त पिछली वाली। ये देखिए, देयर इज दिस, व्हाट इज इट, देयर इज दिस इथीन C2H4, दो कार्बन उनके बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। एक्चुअली हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, इसमें ये वाला बॉन्ड कौन सा है, सर ये वाला तो सिग्मा है,
इधर भी एक हाइड्रोजन आ गया होगा, इधर भी हाइड्रोजन आ गया होगा, इधर भी हाइड्रोजन आ गया होगा, इधर भी हाइड्रोजन आ गया होगा, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा बॉन्डिंग है. ओके, वेयर इज दिस पाई बॉन्डिंग? यू नो सर, वो इसका ना एक पी जी ऑर्बिटल ऐसा होगा, इसका भी एक पी जी ऑर्बिटल ऐसा होगा. वो दोनों पी जी ऑर्बिटल्स क्या करेंगे सर? ये दोनों यूं करके और ये वाले यूं करके बॉन्ड बनाएंगे, फिर ये साइडवेज ओवरलैप करेंगे, ये यूं करेगा, ये यूं करेगा, तो अल्टीमेटली इसका क्या सीन होगा सर? इसका एक पाई बाइंड ऊपर आ जाएगा, इसका एक ये सीन ऊपर आ जाएगा. समझ आ रहा कि नहीं आ रहा सर? इसका एक पाई बॉन्ड इधर है और एक इसका पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड एक ही पाई बॉन्ड है, आधा रीजन उसके ऊपर आधा रीजन उसका नीचे. सो व्हाट इज हैपनिंग इधर सर जी? यहाँ पे एक दो तीन चार पांच, पांच सिग्मा बॉन्ड्स हैं, फाइव सिग्मा बॉन्ड्स एंड वन पाई बॉन्ड भी है. ये स्ट्रक्चर आपको समझाया जा चुका है पहले से, अभी इसलिए रिवाइज कराया गया कि इस स्पेसिफिकेशन में लिखा है डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द शेप, मतलब इस लेफ्ट की तरफ टेट्राहेड्रल, राइट पे ट्राइगोनल पिन, बॉन्ड एंगल्स इधर 109.4 इधर 120 ऑफ इथेन एंड इथीन इन टर्म्स ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग. कहते फिर इस बुनियाद पर प्रेडिक्ट द शेप्स ऑफ एंड बॉन्ड एंगल्स इन अदर रिलेटेड मॉलिक्यूल्स. कहते फिर आप कोई भी मॉलिक्यूल अगर हम आपको ड्रॉ करके दें, कोई भी मॉलिक्यूल अगर हम आपको ड्रॉ करके दें, तो आपको उसकी शेप वेप क्या करना आनी चाहिए, उसको प्रेडिक्ट श्रेडिक्ट करना आना चाहिए, उसको प्रेडिक्ट प्रेडिक्ट करना आना चाहिए. जी भाई, कोई सवाल है? कोई सवाल है जो आप पूछना चाहेंगे? एनीवन? यहाँ पे जाके मैं एएस की केमिस्ट्री का लेक्चर भी एंड करूंगा, यहाँ पे जाके मैं एएस केमिस्ट्री का लेक्चर भी एंड करूंगा. इथेन, ऑल एल्कीन्स आर ट्राइगोनल प्लेनर ओनली. नहीं, एल्कीन ओवरऑल ट्राइगोनल प्लेनर नहीं होता. चलो एक सवाल है, फिर सवाल बड़े मजे का जी, सवाल सुनिए प्लीज, इस सवाल का जवाब सुनिए. उन्होंने कहा सर फिर प्रोपीन का समझाएं जरा. प्रोपीन सुनो जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. प्रोपीन, प्रोपीन का फॉर्मूला बताओ मुझे, प्रोपीन का फॉर्मूला बताओ. C3, नो डिस्क्रिप्शन, C3H6, ओके. इसका सादा सा स्ट्रक्चर बताओ, एक दो तीन, कितने डबल बॉन्ड होंगे? कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होगा सर, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा. ओके, तो ओ लेवल वाला बच्चा इसको ऐसे बनाता है, यूं 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 और यूं. ओके, अच्छा एक काम तो करो, इसमें को एक दो तीन चार पाँच छः. जी आपसे सवाल है मेरा, आपसे सवाल है भाई, सबके सब जवाब देंगे प्लीज, सबके सब जवाब देंगे. मुझे प्लीज बताइए इस कार्बन के बारे में क्या ख्याल है आपका? इज इट sp3 और sp2? जिस भी कार्बन एटम ने डबल बॉन्डिंग की हो, जिस भी कार्बन एटम ने डबल बॉन्डिंग की हो, वो क्या होता है? हाँ जी सर, वो sp2 होता है. ओके, तो उसकी ज्योमेट्री क्या होती है? ऐसे होनी चाहिए ना, ऐसे होनी चाहिए ना. ओके सर, ये हो गया 120 डिग्री वाला sp2 हो गया. ओके, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, ये हो गया एक एच, ये हो गया दूसरा एच, इसी पर आओ, एक हो गया एच, इधर आओ. व्हाट अबाउट दिस कार्बन? ये वाला कार्बन भी sp2 है, ये वाला कार्बन भी sp2 है. ये जो हैशटैग वाला कार्बन है, इसका क्या सीन है सर? इसका ये ट्राइगोनल, सॉरी टेट्राहीड्रल है. टेट्राहीड्रल का सीन क्या होता है? एक दो तीन और यहाँ पे कहीं चार, एच एच एच. ये वाला एंगल कितना है सर? ये एंगल है 109.5 डिग्री. हाँ जी, जिन दो कार्बन एटम्स में सर एग्जाम में ऐसे बनाना है बस. नहीं, आपने वो सवाल पूछेगा आपसे, ड्रॉ करके आपसे पूछेगा कौन सा एंगल कितना है. कहता बस आपको डिस्क्राइब करना आना चाहिए कि एंगल कितना कितना कितना. ओल वाला बच्चा ऐसे ड्रॉ करता है, आप छोड़ें, ड्रॉइंग छोड़ें, आप जो समझें इसको. वो प्रेडिक्ट द शेप बाय द बॉन्ड, यस प्रेडिक्ट द शेप करनी है आपने कि इस जगह पर क्या होगा. इस जगह पर सर ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी 120 डिग्री. इस जगह पर क्या होगा सर? यहाँ पर भी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी 120 डिग्री. इस कार्बन पर क्या होगा सर? यहाँ पर टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री होगी 109.5 डिग्री.
जी अब मैं कल प्रोटीन का जब स्ट्रक्चर ओ लेवल्स वालों के साथ मिला के पढ़ाऊंगा तो मैं नीचे वाला नहीं, मैं ऊपर वाला ड्रॉ करूंगा। नीचे वाला स्ट्रक्चर आपको समझ आ चुका होगा, नीचे वाला स्ट्रक्चर आपको समझ आ चुका होगा। कोई सवाल पूछेंगे मजीद, कोई सवाल पूछेंगे? आई डोंट गेट इट। जो भी मिसकंसेप्शन होगी यू आर सपोज व्हाट? ओके ओके आई विल क्लियर यू मिसकंसेप्शन पुत्र। मैं हर किसी की मिसकंसेप्शन दूर करूंगा। आप बताइए क्या मिसकंसेप्शन है आपकी? ड्राइंग ऐसी करनी है लाइक यू जस्ट डिड ऑफ प्रोपीन और नॉट, ये मिसकंसेप्शन है? ओके ठीक है भाई, आप कह सकते हैं। चलो जी, दिल तो कर रहा है कुछ कहूं लेकिन नहीं कहता। ये देख मेरे भाई, बंदा सेंटिमेंटल हो गया है। चलो खैर है खैर है, ये मेरे इग्नोर करते हैं इग्नोर करते हैं इग्नोर करते हैं। बारल पुत्र जो भी मिसकंसेप्शन होगी यू आर सपोज्ड टू क्लियर इट। ओके बस सोच रहा हूं कि ये हजम, ये टोन हजम करनी है कि क्या करना है? हैं? बस ये सोच रहा हूं कि ये टोन हजम करने वाली है या कुछ और है। चलो कोई बात नहीं, पर्दे के पीछे सब हीरो हैं। भाई साहब आपको समझ आ रहा है? अब मुझे समझ नहीं आ रही है बच्चा है कौन सा। जी पुत्र नहीं, आपको अपनी टोन का समझ आ रहा है? आपने किस तरीके से बात की? एक बच्चा कहता है क्या कह रहा है? कह रहा है सर गुस्सा अंदर मत रखें, निकाल दें। हाँ तो जब अपने अब्बा से किसी ने बात करनी होती है ना पुत्र, तो तरीके से बात करनी होती है। एक बच्चे ने कहा सर इंटरनेट के थ्रू स्लैप कर दें। ओके चलो, मैं आपको यहां पे हर चीज सिखाने और समझाने के लिए बैठा हूं। ऑफकोर्स आपकी ये जायज और नाजायज बात जब आप मेरे सामने आके बात करेंगे तो शायद आपकी आंख भी ऊपर नहीं उठ पाएगी, आई कैन गारंटी दैट। इस वक्त जो आप अपना कह रहे हैं, बच्चा कह रहे सर मैं तो अपना हक मांग रहा हूँ, जायज और नाजायज कर रहा हूँ। ओके चलो, इंसान की पुत्रों की तरह बात करनी है पुत्र, तमीज और तहजीब है तो मेरी क्लास में बैठी है, नहीं है तो गो टू हेल, इन ईजी वर्ड्स। ओके इन सिंपल वर्ड्स, अगर तो तमीज और तहजीब है, बात करने का सलीका है, हक मांगने का सलीका है, तो मेरी क्लास में बैठी है। मैं यहाँ पे हर किसी को हक देने और सिखाने के लिए बैठा हुआ हूँ, ठीक है? लेकिन अगर बदतमीजी से बात करेंगे, चलें काम करते हैं, एक सिंपल सा हल करते हैं। आपको इस बात का जवाब पता है मैं कब दूंगा? जब आपके फादर मुझे कॉल करेंगे, ठीक है? वो क्या कहते हैं, आपके बस की बात नहीं है, ठीक है, अपने अब्बा से कहिए मुझसे बात कर लें। जी जी चलो जी, आई थिंक ये हमारी क्लास के नहीं थे, आई थिंक ये बच्चा हमारी क्लास का नहीं था, क्योंकि मेरी क्लास का होता तो शायद उसको समझ होती कि इनके उस्ताद ने इनको पढ़ाना कम है और तमीज ज्यादा सिखानी। खैर बहरहाल रिमूव कर दिया भाई मैंने उस बच्चे को, ठीक है? इधर ध्यान दीजिए आंट यू। चलो अब मैं बाकी लोगों को सवाल का जवाब देता हूँ, उस बच्चे को छोड़कर बाकियों को इस चीज का जवाब देते हैं कि जी जनाब मैं आई एम ऑफ कोर्स सपोज्ड कि मैं आप सब लोगों को इस चीज का जवाब दूं। किस चीज का जवाब दूं? जो भी आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैंने आपको हर चीज का जवाब बताना है, लेकिन हैं आप मुझे ये नहीं सिखा सकेंगे, ठीक है? उसका नाम क्या था समय? दो इब्राहिम थे, इट वॉज जस्ट इब्राहिम। इब्राहिम अहमद तो क्लास में मैंने उसको रखा हुआ है, जो जस्ट इब्राहिम। हमारी क्लास में एक इब्राहिम है, दो इब्राहिम है बच्चों? हमारी क्लास में एक इब्राहिम है, दो इब्राहिम है,
इब्राहिम नहीं, आप नहीं हो बेटा, आप नहीं हो, दैट वॉज जस्ट नॉर्मल इब्राहिम, मैंने उसको रिमूव कर दी। हाँ जैसे मैंने जब सर्च किया है तो वहाँ पे दो इब्राहिम आ रहे थे, आई नो हमारी क्लास में एक इब्राहिम, तो इट मीन्स वो हमारी क्लास का नहीं, हमारी क्लास से बाहर का बंदा है। ठीक है, सो बहरहाल जो भी था उसको छोड़कर मैं पूरी क्लास को जवाब देने के लिए सपोज्ड हूँ। हाँ ठीक है, तो जनाब सवाल ये है कि जब, नहीं नहीं वो नहीं है, वो नहीं है, वो लवर्स के इब्राहिम जो है वो भी पेपर, वो पेपर नहीं दे रहा अभी। हाँ मुसीबत ये होती है कि यार पता नहीं चलता कौन बाहर का बच्चा है और कौन नॉर्मल क्लास का बच्चा है। चलो जी ओके ओके, इग्नोर करते हैं भाई, इग्नोर करते हैं, बाकी सब लोगों को जवाब देते हैं जिनको पता है कि उस्ताद किस चीज के सपोज्ड हैं। हाँ जाने दे, जाने दिया जी, जाने दिया, जाने दिया। हाँ जी, सो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है भाई, यहाँ एक स्ट्रक्चर है। ओ लवर्स में आप इसकी इस तरह से ड्राइंग बनाएंगे, ए लवर्स में ड्राइंग बनी हुई आएगी, आपने नहीं बनानी, आपको सिर्फ ये बताना है, आपको सिर्फ ये बताना है कि जनाब व्हाट इज दी एंगल इस जगह पे, व्हाट इज दी एंगल इस जगह पे, एंड व्हाट इज दी एंगल इस जगह पे। ठीक है, आपने सिर्फ ये एंगल्स बताने हैं कि किस किस जगह पे कितना कितना एंगल है। ठीक है, इसमें अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए, इसमें अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन जी बच्चों, जिस चीज का जवाब देने के लिए मैं सपोज टू हूं, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। जी ओके, अनसेचुएशन वाला, काइंडली अनसेचुएशन वाला क्या सवाल था रयान, कि उसका SP2 के साथ क्या ताल्लुक है। ओके एक बच्चे ने सवाल पूछा था सर अनसेचुरेशन का SP2 के साथ क्या ताल्लुक है। देखो बेटा अनसेचुरेशन का एक मतलब था कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, अनसेचुरेशन का, अनसेचुरेट का एक मतलब था कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड। इसमें किसी को परेशानी है रेयान, इस बात में कोई परेशानी है। ओके पहला सवाल, दूसरा सवाल यह है जब डबल बॉन्ड होगा तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा कब, कार्बन और ये डबल बॉन्ड होता क्या है, सिग्मा होता है कि पाई होता है। रयान पी जवाब देंगे, सिग्मा होता है, नहीं डबल बॉन्ड, डबल वाला बॉन्ड सिग्मा होता है कि पाई होता है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड पाई होता है। रयान ये गलती कर रहे हो आप शायद। ठीक है हाँ राइट, अब समझ आ गया। ओके जी, तो जब डबल वाला बॉन्ड, पहले वाला सिग्मा है, अगर दूसरे वाला पाई है तो पाई बनेगा कैसे, पाई बनेगा कैसे, पाई बॉन्ड बनाने के लिए, पाई बॉन्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई बॉन्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस कार्बन के एक पी ऑर्बिटल को इस कार्बन के एक और पी ऑर्बिटल के साथ साइडवेज ओवरलैप करना पड़ेगा, दोनों कार्बन को साइडवेज ओवरलैप करना पड़ेगा। ठीक है, जब वो साइडवेज ओवरलैप करेंगे तो डोंट यू थिंक ये SP2 हाइब्रिडाइजेशन में ही कोई पी ऑर्बिटल सामने सामने आ जाएंगे। अगर आप कार्बन की SP2 हाइब्रिडाइजेशन याद करें, उसी में ऐसा होगा ना कि तीन ने ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बना ली। अब समझ आया कि अनसेचुरेटेड का SP2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ क्या ताल्लुक, अनसेचुरेटेड मींस डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बाय कार्बन इज ओनली फॉर्मड व्हेन द कार्बन इज SP2 हाइब्रिडाइज्ड, तीन उसके सिग्मा हो जाते हैं, ऊपर एक पी ऑर्बिटल आ जाता है, पीजी आ जाता है, पीजी पीजी जो है वो आपस में साइडवेज ओवरलैप कर जाते हैं। ठीक हो गया, अंडरस्टूड, ग्रेट हो गया। एनीथिंग एल्स प्लीज, और किसी का कुछ सवाल, वेलकम बेटा वेलकम, यू आर ऑलवेज वेलकम जी, और किसी का सवाल है जी। चलो जी, सो आखिरी बात, इस बात के साथ एंड करता हूं, वो एक जुमला होता है, अदब पहला करीना है, पता नहीं क्या होता है, इल्म के करीनों में है जी, तो जिसमें अदब नहीं है उसको इल्म हासिल करने की ना तो जरूरत है और ना उसके इल्म ने उसको कोई फायदा देना है। तो अदब जो है, तमीज़ जो है, तहजीब जो है, इखलाक जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप सब लोगों से, जितने मेरे यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, जो वाकई में मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे स्टूडेंट होने का हक सिर्फ उसी बंदे को है जिसमें अदब हो, इखलाक हो, तमीज़ हो, तहजीब हो, जिसको पता हो कि मेरे किस लफ्ज़ से अगला बंदा खुश होगा और मेरे किस लफ्ज़ से अगला बंदा नाराज होगा, किस तरीके की बात करने की मुझे इजाज़त है,
किस तरीके की बात करने की मुझे इजाजत नहीं है। सो एक काम करते हैं, दो मिनट रुके बच्चों। ये वो बहुत ही वेला बच्चा है, एक और नाम से कोई और भी एंट्री है यहाँ पे। चले जी, तो मैं क्या कह रहा था, कोशिश ये किया करें कि अपने बड़ों से, अपने बड़े बहन भाइयों से, ठीक है। हाँ ओके, खामोश रह ऐ दिल भरी महफिल में चलना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। वो लायक आदमी मोहब्बत को किधर से बीच में लाया, मैं तो इल्म की बात कर रहा था। खैर चलो जो भी है, अदब पहला करीना है इल्म के करीनों में। कहते नहीं सर आपने गलत किया है। हाँ जी चलो ओके सर, इधर जो कौन से वाले हैं भाई, यहाँ पे क्लास को खत्म करते हैं। बिल्कुल भाई क्लास को खत्म करते हैं। बुनियादी चीज ये थी वो ये कि अच्छे से बात करना सीखे। उस्ताद का जब गुस्सा चढ़ता है तो वो उसकी मजबूरी होती है। आप कभी किसी को पढ़ाएंगे ना तो आपको समझ आएगा यार गुस्सा कैसे कंट्रोल होता है। आप में से वैसे कौन कौन अपने छोटे बहन भाइयों को पढ़ाता है, जरा मुझे प्लीज एक छोटा सा सवाल करवा दीजिए। कौन कौन छोटे बहन भाइयों को पढ़ाता है, ठीक है। आपको शायद अंदाजा होगा कितना मुश्किल होता है समटाइम्स खुद पे कंट्रोल करना, उसको समझ नहीं आती। अच्छा गुस्सा आता है कि नहीं आता पढ़ाते वक्त, जब कोई मस्ती करता है या कोई आउट ऑफ द वे जाके बात करता है, कोई लेफ्ट राइट की बात होती है तो कितना गुस्सा आता है, आता है कि नहीं आता है? तो इसी तरह मैं भी जब पढ़ा रहा होता हूँ, हाँ आप रिलेट करोगे सर, हाँ नाउ आई कैन रिलेट, ठीक है। खून नहीं नहीं खून ना पीना भाई, हाथ बांधता हूँ खून ना पीना, कहते हैं सर मेरा दिल करता है उसका खून पीना, आई ऑफन स्कोल्ड हर, ओके। सो इसी तरह यहाँ पे भी मैं भी तो एक इंसान हूँ, रोबोट थोड़ी बटन दबाओ और स्टार्ट हो जाऊँ, ठीक है। अब मुझसे कोई सर लेकिन आप 4 घंटे की क्लास में हर सवाल का जवाब देते हैं, देता हूँ पुत्र जवाब तो देता हूँ, जवाब देता हूँ, जवाब हर तरह का होता है, लेकिन एक एक मैं कुछ चीज ये सिखाना बस पता क्या चाहता हूँ, सिखाना ही चाहता हूँ। एक तो सवाल की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको बड़े वक्त पे सवाल पूछना है। जब मैं कहूँ कि जी हाँ अब बताइए किसको प्रॉब्लम है, तब आप मुझसे पूछेंगे तो आप गवाएं, सबके सब गवाएं कि मैं एक एक बंदे का जवाब देता हूँ यार, मैं तो आगे जाने का रवादार ही नहीं होता जब तक पिछली बात क्लियर ना हो। बस वो एक एक चीज होती है, एक डिस्टर्बिंग मोड होता है, अब अनफॉर्चुनेट बात है ऑनलाइन चीजों में हमारी उतनी 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 ग्रिप नहीं होती, इट्स जस्ट बिकॉज। और वो दो जो आते भी हैं डिफरेंट किस्म के नाम से आ जाते हैं, वो हमारी क्लास के होते भी नहीं है, आई नो हमारी क्लास के होते ही नहीं, वो हमारी क्लास के किसी बच्चे का नाम इस्तेमाल करके कोई बच्चा आ जाता है। अब मेरी तरफ से अच्छा ही है कि मैं हर किसी को अलाउ कर रहा हूँ, अब अगर उन्हीं को इल्म हासिल नहीं करना है और डिस्टर्बेंस करनी है तो फिर मेरे पास अल्लाह का शुक्र है एक यहाँ पे ऑप्शन है टू रिमूव देम, जहां को मस्ती होती तो मैं रिमूव कर देता हूँ, सिंपल इज दैट, ठीक है। सो बहरहाल 4 घंटे में 20 मिनट की डांट जायज है ग्रेट हो गया जी, नहीं डांट जायज नहीं, अभी डांट कभी भी जायज नहीं है, डांट यह कि हाँ जब कोई गलती करेगा तो उसको डांट जायज, उसको डांट जायज है, बाकी मुझे डांटने का कोई शौक नहीं है, डांटने का शौक नहीं है भाई। इट्स जस्ट लाइक मुझे हाँ मुस्कुराने का बहुत ज्यादा शौक है, मुझे प्यार से पढ़ाने का बहुत ज्यादा शौक है, ठीक है। लेकिन जब कोई मस्ती शस्ती करेंगे तो हल्की फुल्की डांट भी सुनने की हिम्मत रखें फिर, है डांट भी सुनने की हिम्मत रखें, ठीक है। सो ओके, एक बच्चा कहता है सर व्हेन यू स्माइल वी स्माइल, ओके जी एवरीवन स्माइल, ठीक है। चलो जी ठीक हो गया भाई, 2-4 मिनट की ब्रेक लेते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट लेक्चर कौन सा है, आई थिंक इट इज फिजिक्स, 7:41 हो रहे हैं, 7:45